अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सब कुछ खैरियत से, अलहमदुल्ला मैं भी खैरियत से हूँ। तो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सब भाइयों और बहनों को रमजान मुबारक हो, और दुआ में भूल याद रखिएगा हमें भी। और सुबह में हम सैरी में भी आए थे, लेकिन आज कराची में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, वीडियो बना नहीं सका। देखिए बहुत खराब हुआ हुआ निज़ाम, पानी हुआ हुआ, सड़कें भी पिंजरे भी सारे खराब हुए हैं। तो हम इनको जल्दी से सफाई करते हैं इनकी, और इनको जल्दी से डैग देकर फिर नीचे करते हैं। सबसे पहले पिंजरे के हालों का हाल देखते हैं, इनका क्या हाल है। पानी में छिलके भी पड़े हैं और एक अंडा फिर आ दिया हुआ मादी ने। ये देखिए एक अंडा ये पड़ा हुआ और इधर छिलके पड़े हुए अंडे के। अब ये पता नहीं किसके, वही बर्गर बच्चे का दूसरा बच्चा निकला होगा। ऊपर दो पेटियों में पानी भी आया हुआ, ऊपर दोनों पेटी, इस पेटी में भी पानी आया हुआ, इस वाले में भी आया, बर्गर बच्चे की पेटी में भी पानी आया हुआ, और इधर नीचे भी पानी है। ये अंडा उठा के जल्दी से हम उस मादी के नीचे रख देते हैं। पहले वाला अंडा उसके नीचे रखा हुआ है। चलो अली उठा के रख दो ये वाला अंडा। तो खुद ही सेट कर लेगा, आ जाओ पीछे। पानी बहुत है इसकी पेटी में। ये देखें पेटी हमने बाहर निकाली और पानी से भरी हुई पेटी है। ये ऊपर से पानी भी टपकता है, ये छत से ऊपर से आता है, तो वो पी लीजिए पिंजरे के साइड से, वो आपको रोशनी नज़र आ रही है, वहाँ से पानी अंदर आता है। ये दो पेटियों का हालत बहुत बुरी हुई है, जल्दी से इसका सेट करता हूँ मैं, फिर आपसे मिलता हूँ जी। ये ले मैंने अंडे का कौन सेट कर दिया, अब इनको जल्दी से अंदर रखते हैं, फिर मादी भी ऊपर बैठी वो भी अंदर चली जाएगी, फिर खुद ही सेट कर ले, वो भी गिली हुई देखो सारी नीचे से गंदी हुई हुई है। चलो जी ये देखे, ये ट्रे भी पूरी पानी से भरी हुई है, उधर टीटी और पीपी की भी, रैबिट की भी, देखे सारे बुरे हालात हुए हैं। इनका भी चेक करते हैं। ये भी वो आज एक अंडा और पड़ा हुआ भाई, ये देखे टप में पड़ा हुआ, ये निकालता हूँ पहले। सबसे पहले इसको उठा रहे, ये तो आज भी तोड़ दे। चलो इफ्तारी में खाइयो आज। इससे क्या बनेगा, ये लो सही है आज, आज बिल्कुल सही, ओके है, आज नहीं टूटा। चलो ठीक हो गया जी। ये एक अंडा है, हमने सोचा कि हम मादी के नीचे कबूतर के ना नीचे रख देते हैं, मादी की उसी पेटी के में, तो इसका भी बच्चा निकल आएगा, साथ में बटेरों में इजाफा हो जाएगा। ये तो पता नहीं कब कुड़ोक होते हैं, क्या मतलब इनका तो कोई पता ही नहीं मुझे तो। चलो अभी इधर रख दो इसको भी जी। ये लड़ाई कर रहे थे बटेर आपस में, इसको अलग किया हुआ, बिल्कुल फिट है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस सुबह से ये बोलना पे शुरू हुआ हुआ है, बहुत बोल रहा है सुबह से ये। ये देखें, चलो ये बटेर का अंडा भी उसी मादी को देते हैं। ये भी वो आ गई, वो चली गई, वो जाके कबूतर बैठा हुआ ऊपर, फैंसी कबूतर बैठ गया, पता नहीं ये वाइट देख के रखे या ना रखे नीचे। अली ने वैसे पास रख दिया, आप देखो। कपड़े खराब हो जाएंगे। और कराची का मौसम देखें, अभी बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत मज़े का हो रहा है, हवाएं ठंडी चल रही हैं, आज सारा दिन बारिश होती थी। ये असर की अजान भी होगी और टाइम बहुत कम है, नमाज भी जाके नीचे पढ़नी है, फिर रफ्तारी भी करनी है, इसलिए जल्दी से इनको डाइट देता हूँ। पुलिस फोर्स भी छोड़ दी है और बेला को भी डाइट वगैरह दे दी, पालक वगैरह, टीटी और बीटी को भी दाना दे दिया और उनको भी खाना दे दिया, और इधर पीछे चमेली और चमेली को भी डाल दिया, ये भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं मजे से। इनका रह गया पानी चेंज करना, इनका पानी चेंज करना करने वाला रह गया। मैं आगे जाता हूँ, खुश होगी थोड़ी जब बहुत जगह, फिर मैं जाता हूँ आगे। और पिजन का आज अंदर ही इरादा के अंदर ही डाल दें, क्योंकि नमाज पढ़नी है, टाइम बहुत कम है।
अल्हम्दुलिल्लाह तारी और नमाज पढ़ के फारिग हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोजा बहुत ही अच्छा गुजरा है। उम्मीद है कि आप लोगों का भी अच्छा ही गुजरा होगा। और अभी कराची में आए बहुत बारिश हुई थी, इस वजह से सर्दी बढ़ गई है। अभी दोबारा हमें छत पर जाना है, जाकर परिंदों के ऊपर कपड़ा डालना ताकि वो सर्दी से महफूज रह सके। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ नसीब अता फरमा, दोनों जहाँ की खुशियाँ नसीब अता फरमा। अल्लाह ताला आप सबको बीमारियां दूर अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको दुख दूर अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सब पर रहमत और करम ता फरमाए, फजल ता फरमाए। और बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे भी याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।